अभी बजा आएगा ना भिड़ो बेली की नागिन निकाली मुन्ना पर डोला अलग ला। सो हेमावती फैमिली तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सो सभी के सभी लोग बढ़िया होंगे, नागे भी बढ़िया ना। तो कुछ आज की इस वीडियो में बात करने वाले अपने नेक्स्ट गन स्किन के इनक्यूबेटर के रिटर्न को लेके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को दिवाली के टाइम पर कौन सा गन स्किन का इनक्यूबेटर रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, रिटर्न में आएगा भी या फिर नहीं, उसी के साथ उसकी डेट का होने वाली कब तक आएगा, सभी के सभी कुछ आज की इस वीडियो में कन्फर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो होने वाली है, उसी के साथ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो भी होने वाली है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देख लेना है। बट गाइज उससे पहले अगर आपने इस को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर से जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आप सभी को रेगुलर ही देखने को मिल जाती है। सो गाइस सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कॉल पर जरूर से सेट कर लेना है, जिससे आप लोग हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इससे पिछली दिवाली पर मतलब आप लोग को 2020 के दिवाली इवेंट पर आप लोग को टाइटन स्कार का इनक्यूबेटर रिटर्न में देखने को मिला था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर वाली वीडियो क्लिप, जिसमें आप लोग को दिखाया गया कि इससे पिछले वाले दिवाली के टाइम पर आप लोग को गन स्किन का इनक्यूबेटर में आप लोग को टाइटन स्कार देखने को मिल गया था। सो गाइस इस ईयर भी आप सभी को कोई ना कोई गन स्किन का इनक्यूबेटर रिटर्न में देखने को जरूर से मिलेगा, ये तो मैं 100% श्योर हूं। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट के अपन आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर एंड आप लोग को बताते हैं कि आप लोग को कौन सा इनक्यूबेटर आप लोग को रिटर्न में देखने को मिलने वाला है अपने गन स्किन का। तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा कि मतलब जब अपना रैंपेज इवेंट आया था, मतलब रैंपेज कौन सा था, रैंपेज 2.0 था या फिर रैंपेज 3.0 था, ये मुझे याद नहीं उतना, बट रैंपेज इवेंट जब आया था तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग को एक रैंपेज इवेंट पे बेस्ड आप लोग को एक इनक्यूबेटर रिटर्न में देखने को मिल गया था अपने गन स्किन का एंड अपना M10 का इनक्यूबेटर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये वाला M10 का इनक्यूबेटर, जी हाँ दोस्तों यही वाला M10 का इनक्यूबेटर आप लोगों को रिटर्न में देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज्यादा लीक्स निकल के आ रही है एंड बाकी सर्वर पर ऑलरेडी अपना रिटर्न में आ चुका है जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सो गाइस अपने इंडियन सर्वर के लिए काफी ज्यादा ही लीक्स निकल के आ रही है कि आप लोग को ये रिटर्न में देखने को मिल सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं कि आप लोग को ये कब तक देखने को मिल सकता है, मतलब इसकी डेट क्या होने वाली है। तो गाइस अभी तो इसका कंफर्म डेट तो नहीं पता चला है, बट मैं आप लोग यहाँ पे अप्रॉक्स बता सकता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 4th नवंबर इसका पीक डे होने वाला है, मतलब दिवाली इवेंट का। सो गाइस आप लोगों को मतलब देखने को मिलेगा तो 4th नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा एंड आप लोगों को मतलब नवंबर के अंदर ही देखने को मिल जाएगा रिटर्न में, ये तो 100% श्योर हूँ मैं कि आप लोगों को नवंबर के अंदर आप लोग को रिटर्न में देखने को मिल जाएगा एंड हो सकता है आप लोग को दिवाली इवेंट के बाद भी देखने को मिल जाए, बट आएगा जरूर, ये तो 101% कन्फर्म है भाई। सो गाइस आप लोग ये अपडेट जानकर कैसा लगा आप लोग सिंपली मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। उसी के साथ कि आप लोग एक्साइटेड हो अपने M10 के इनक्यूबेटर के रिटर्न को लेकर, ये भी आप लोग सिंपली मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। उसी के साथ अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी जाना हो, आप लोग वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, आप लोग को 100% रिप्लाई मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग को और भी कुछ जानना है अपने दिवाली इवेंट को लेकर, आप लोग को क्या क्या चीज़ें और चीज़ें रिटर्न में देखने को मिलेगी या नहीं, तो आप लोग सिंपली मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। आप लोग को हर एक टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर एंड अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कॉल पर जरूर से सेट करना। सो इस वीडियो को यही पेंट करता है, आई होप आज की वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही है एंड मैं मिलता हूँ फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।